أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kindly see the description below given in English. This video is in English as well as in Urdu. ये वीडियो इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है आप descriptions देखिए और comments भी देखिए and kindly see the comments also with the references. Those who don't understand Urdu, kindly see the descriptions in English. आप लोग सुनिए कुरान कहता है कि जब भी अल्लाह के रसूल आए हैं तो कहे हैं कि लोग कहे हैं काफिर मुनाफिकीन मुशरिकीन के आप हमारे दीन को तबाह करने के लिए आए हदीस से इसकी गवाही तो आजकल मुसलमानों का जो दीन है मुसलमानों का जो इस्लाम है वो शिर्क और बिदअत से भरा हुआ है और 73 फिरकों में बटा हुआ है और लोगों ने उलमाए दीनों ने अपने अपने तरीके से कुरान हदीस को समझा है और कई ट्रांसलेशन मिस्टेक्स किए हैं तो ईसा मसीह मेहदी अलैहि सलाम जो कि एक ही शख्सियत हैं इनका मिशन टफेस्ट करार दिया गया है मक्का मदीना में जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो उससे भी ज़्यादा टफेस्ट करार दिया गया है हदीस में इसका जिक्र है बिहारुल अनवार में जो कि शियाओं के पास ये हदीस पहुँची है अहले बैत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए फिर इमामों के ज़रिए फिर अल्लामा मजलिसी ने 400 साल पहले से लिखा है तो ये शिया हज़रत गलत हो सही हो अलग बात लेकिन जो इनके पास ख़जाना निकला है वो बिल्कुल सही साबित हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि कुरान हदीस से मैच करता है कुरान हदीस सुन्नियों की इसकी तायीद करती है तो आप ये रेफरेंसेस देख लीजिए टफेस्ट मिशन है मेहदी अलैहिस्सलाम का मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा तो आप लोगों को बताना है कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कहाँ है कौन है ऐ उलमाए दीन बताओ कहाँ है कौन है असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मैं अब्दुल्ला आम एक इंसान मोहम्मद अहमद एक आपकी मदद कर रहा हूँ तहकीक के लिए